स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री, माई सेल्फ जोहेंद्र यास, सब्जेक्ट SST, लेसन वन, पेज नंबर 5. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेसन. द लेसन फर्स्टली यू मे टेक दैट टुडे इज 18th जुलाई 2020. वर्ड मीनिंग शब्दार्थ. पहला वर्ड मीनिंग है हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री अर्थात इतिहास. ठीक. दूसरा सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट विषय. सब्जेक्ट का मतलब विषय, अबाउट ABOUT, अबाउट के विषय में या के बारे में इसको बोल सकते हैं. PST, पास्ट मतलब भूत काल बीता समय. STUDY, स्टडी अध्ययन. ठीक है, ये 5 वर्ड मीनिंग्स हो गए. ऑफ्टन, OFTEN, ऑफ्टन, ऑफ्टन बोलते हैं लेकिन ऑफ्टन पढ़ते हैं, टी साइलेंट रहता है, हमेशा प्राय. ओके स्टूडेंट्स. और यहाँ पे क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन अर्थात प्रश्न. ठीक है, जो हम सवाल पूछते हैं प्रश्न. ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोवाइड्स, PROVIDES, प्रोवाइड्स मतलब प्रदान करना. ठीक है, 8 में यहाँ पे 9th वर्ड मीनिंग है हिस्टोरियन, HISTORIAN, हिस्टोरियन इतिहासकार, जो इतिहासकारक होता है. दैट मीन्स अ पर्सन हु रोट द हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्टोरियन. ओके, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे 9th 10th में है एक्चुअली, ACTUALLY, एक्चुअली मैंने वास्तव में. ठीक है, वास्तविक या वास्तव में. ठीक है, यहाँ पे 9th में है पर्सन, PERSON, पर्सन मैंने व्यक्ति. ठीक है, यहाँ पे 12th वर्ड मीनिंग है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब MISTAKE, मिस्टेक मतलब गलती, गलतियाँ. ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्कवर, DISCOVERY ना, डिस्कवर मतलब ये हो गया खोज. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सक्सेस, SUCCEDED, सक्सेस माने सफलता. ठीक है, जो सफलता प्राप्त करते हैं, आप एग्जाम देते हो, सफलता प्राप्त करते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, INFORMATION, अर्थात सूचना, किसी चीज़ की सूचना आदान प्रदान होती है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका वर्ड मीनिंग्स हैं, शब्दार्थ हैं, इसको आप इस चैप्टर के लिए इतना है और अवेलेबल होगा. आपको रिक्वायरमेंट होगी, देन यू कैन कॉल आर्यन सर, देन आई विल गिव यू अनदर वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओके, टुडे स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस चैप्टर. द चैप्टर मस्ट बी सेइंग दैट हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या लिखा, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच टेल अस अबाउट द पास्ट. अर्थात क्या है बच्चों, कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि हमें बीते हुए समय को बताता है. ठीक है, बीते हुए चीज़ों को बताता है, वो इतिहास कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड ना, समझ रहे हैं ना. ओके, यहाँ पे देखिए दस, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री जो है इतिहास, बीते समयों के विषय को पढ़ने का एक माध्यम है, इतिहास है. ठीक है, वी ऑफन थिंक ऑफ द पीपल, प्लेस, फूड एंड लाइफ ऑफ अर्लियर एज. दैट मीन्स क्या, हम लोग पहले भी ये चीज़ें सीखते थे और जानते हैं, थिंक करते थे, सोचते थे कि जो अर्लियर मैन है, पहले के जो पीपल लोग हैं, पीपल्स हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो कैसे किस जगह पे, प्लेस माने स्थान में, फूड मतलब क्या हुए खाते होंगे. ठीक है, एंड द लाइफ, उनका कैसा जीवन होगा, ऑफ द अर्लियर एज, पहले के पुराने समय के, पुराने युग के व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा, ये चीज़ें हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड. यहाँ पे देखिए दैट हाउ दे लिव इन द पास्ट, मतलब कैसे वे बीते समय में, पुराने समय में रहते थे. ओके स्टूडेंट्स, पुराने समय में जो इतिहास बताता है कि अर्लियर मैन जो पहले के व्यक्ति थे, हाउ दे कैन लिव अपॉन अर्थ, पृथ्वी पे किस प्रकार से, किस माध्यम से, किस तरह से रहते थे, इस चैप्टर में आप यू कैन लर्न अबाउट दिस चैप्टर, अर्लियर मैन हाउ टू लिव अपॉन अर्थ. ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों. अब देखिए
लिए व्हाट फूड दे इट, किस प्रकार का, व्हाट माने क्या, यहाँ पे क्या नहीं किस के सेंस में है, किस प्रकार के भोजन को दे माने वे जो पूरे व्यक्ति होते हैं अर्थात एक से अधिक व्यक्ति के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं इट ना, वे क्या खाते होंगे। ठीक है, मतलब कि आज के समय का मनुष्य और पहले के समय का मनुष्य में थोड़ा थोड़ा डिफर है बच्चों, कि वो पहले कैसे जीते थे, आज के डेट में हम लोग कैसे जीते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास आजकल टेक्नोलॉजी है, हर एक सुख सुविधाएं हैं, वेदर इफ वी वेंट टू गो हिदर एंड दिदर फ्रॉम वी हैव बाइक मोटरसाइकिल कार मारुति एक्स्ट्रा एक्सेट्रा इन दैट पास्ट पीरियड यू कैन सी देयर इज नो व्हीकल, देयर इज नो बाइक्स, देयर इज नो एनीथिंग टू गो हिदर एंड दिदर, दैट्स व्हाई दे आर वेरी रिलायबल एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन स्टूडेंट्स माय डियर, दे विल हैव टू understand how to go, how to live their life, the way of the lifestyle they want to live upon earth, there is very critical moment, critical that means a word that means ek bahut asahaniy aur ek prakar se wo is tarah se apne jeevan ko jeete the ki unke jeevan ke star mein bahut sari sudhar ki avashyaktaen thi, aaj kal ke jeevan mein hame utni asukh suvidhaen nahi hain, hame har cheez ki सुविधाएं मिलती हैं, अर्लियर मैन को नहीं मिलती थी। ठीक है, उनको खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, रहने के लिए, हर एक चीज़ों के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन को वहां से शुरुआत किया, तो आज के डेट में वो मनुष्य का एक पीढ़ी जो आज हम लोग जी रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच गए बच्चों। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक लाइन और है, हिस्ट्री प्रोवाइड द आंसर टू देयर क्वेश्चंस ना, दीज क्वेश्चंस sorry। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री जो है हमें एक आंसर, एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, उसको उसका उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर हमको इतिहास के माध्यम से मिलता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप समझे होंगे, अभी थोड़ा आगे और बचा है, इसको नेक्स्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ, चैप्टर आपका गोइंग टू बी रनिंग नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वर्क इन अवर स्कूल, दैट्स व्हाई वी गेट डोर टू स्टूडेंट्स टू कलेक्ट योर व्हाट्सएप नंबर एक्सेट्रा, इफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन नथिंग देयर बुक देन गो टू अजंता बुक डिपो एंड दिस वीडियो प्रोवाइड फ्रॉम एपेक्स पब्लिक स्कूल थ्रू मिस्टर आर्यन सर, रिस्पेक्टेड आर्यन सर, ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बीइंग विथ अस, ओके थैंक्स अलॉट। ओके स्टूडेंट्स, आगे नाउ वी कैन सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वी कैन सी चैप्टर नंबर थर्ड, लेसन नंबर वन ही है, जो जहां तक बताए थे उसी के आगे का है, आज का ही डेट का है 18/7/2020 का, पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल हिस्टोरियन, दैट मीन्स क्या कि जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं इतिहास को वो इतिहासक या इतिहासकार कहलाते हैं, वो इतिहासकर्ता कहलाते हैं जो इतिहास की रचना करते हैं। ओके, नीड टू स्टडी हिस्ट्री, मतलब इतिहास को, इंग्लिश में थोड़ा उल्टा होता है बच्चों, नीड टू स्टडी हिस्ट्री, तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे शाब्दिक अर्थों में सीख लीजिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, इतिहास को अध्ययन करने की जरूरत ना, क्यों आवश्यक है, जरूरत है, जरूरत बोलचाल की भाषा में है और हमारी लिखित भाषा में आवश्यक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, हिस्ट्री बिकॉज वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम पास्ट ना, बहुत सारी चीज़ों को इतिहास में इसलिए ज़रूरी है कि हम जो हमने सीखा, वी माने हम, लर्न माने सीखे, मैनी माने बहुत से, थिंग्स माने वस्तुओं को हमने सीखा, फ्रॉम माने से पास्ट माने बीते समय में, पुराने समय में, पूर्वकालिक इतिहास अर्थात पहले का इतिहास। ठीक है, समझ रहे हैं, आराम आराम से समझिए, हड़बड़ी नहीं है, समझना चाहिए। लाइक मैनी ग्रेट
लेसन्स ना, जैसे कि बहुत अत्यधिक ना महत्वपूर्ण, यहाँ पे ग्रेट महान भी हो सकता है, महत्वपूर्ण भी हो सकता है, लेसन्स का जो कि अध्ययन है, अध्याय है, उसका अध्ययन हमने किया। टीचिंग ऑफ ग्रेट पर्सन ना, टीचिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इनको हमने टीच किया, पढ़ाया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में ना। ग्रेट पर्सन एक महत्वपूर्ण महान व्यक्ति के बारे में, अ पर्सन हु बिकम ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज वर्कनेस, ठीक है, ड्यू टू हिज वर्कनेस वी कैन से अ पर्सन इज ए ग्रेट पर्सन लाइक अकबर, सिकंदर, ठीक है, निजामुद्दीन, चिश्ती एंड एनी one of the historian we can see that आगे आप चल के जब आप when you go in higher classes my dear students आप देखेंगे एक से एक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपने कर्तव्य के माध्यम से एक अच्छा काम किया अपने राज्य के लिए, अपने लिए, देश के लिए, जो कि आज भी हम उनको याद करते हैं, ठीक है, अकबर, बिलबर, बाबर ना, शाहजहां, ठीक है, हुमायूं, ये सब बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए ना, बहुत बड़े महान व्यक्ति भी हुए, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, नेहरू जी, ठीक है। अब ये सभी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनके कामों को, इनके वर्क को हम आज भी याद करते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन सभी को हम लोग क्यों याद करते हैं बच्चों, क्योंकि उनके वर्क से दे हैव डन आवर एस टू बी अ प्राउड टू बी आवर नेशन, हमारे देश के लिए एक गर्वान्वित का एक बात रखी और गर्वान्वित होने का सुअवसर दिया। दे प्रोस टू बी लाइक अ दैट अ ग्रेट पर्सन इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज वर्क, ऑफ हिज सेंसनेस, ऑफ हिज एक्टिवनेस थ्रू हिज वर्क, देन वी कैन रिमेंबर एनी टाइम एनी मोमेंट एंड इन द हिस्ट्री बींग्स पास ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो ना, 100 साल से ज़्यादा भी हो चुके हैं बहुत सारे इतिहासों का ना, अकबर का, बीरबल का, तो इन सब को हम लोग इसीलिए याद करते हैं, ठीक है। बीरबल एक राजा नहीं थे, लेकिन अकबर के एक अच्छे बुद्धि वक्ता थे, सलाहकार थे, आपने कहानियों में पढ़ा होगा बच्चों, चूँकि हम इतिहास पढ़ते हैं बच्चों, तो पुरानी चीज़ों को डिटेल जानना जरूरी है, ताकि आप व्हेन वी मेट टुगेदर इन एपेक्स पब्लिक देन वी कैन डिस्कस दिस मोमेंट्स, ओके, थ्रू वीडियो वी कांट डिस्कस बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट योर आंसर मस्ट बी नॉट गोइंग थ्रू आर्यन सर, देन इफ यू कंप्लेन ऑफ माय टीचिंग मेथड देन आई विल चेंज माय मेथड एंड एनी वे एनी टाइम 24/7 आई एम रेडी विथ एपेक्स पब्लिक All students, okay, students, keep going, keep quiet and keep listening video in carefully moment, okay? अच्छा, आगे हम देखते हैं, प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा? यहाँ तक हमने देखा great person, ठीक है? फिर great leaders और महान नेताओं को हमने देखा, एंड माने एंडी, एंड किसी वाक्यों को बच्चों जोड़ने के लिए यहाँ एंड का यूज करते हैं, ठीक है, एंड करके ये वाक्य को आगे बढ़ा देते हैं। ऑल्सो द मिस्टेक्स दैट पर्सन मेड इन द पास्ट, और जो भी हमने गलतियाँ की हैं बीते समय में, पास्ट में, उनको हम इसके माध्यम से देखते हैं, दोहराते हैं, समझते हैं, ठीक है। बट इट इज द बेस्ट ना इंस्क्रिपिंग सब्जेक्ट ना, ये एक अच्छा, लेकिन ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, विषय है, विच, यहाँ तक पढ़ा हमने, विच इनेबल्स अस टू नो ना, और ये चीज़ें हमको जानने के लिए आवश्यक हैं, एंड और लर्न अबाउट ना, और इन चीज़ों को हम सीखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्ट्स, इनके प्रभाव को हाँ, और यह देखिए डिस्कवरीज और उनके खोजों को, वो व्यक्ति जिन्होंने दाय द पर्सन हु विल डिस्कवर दोज थिंग एंड हिस्ट्री दैट मस्ट बी इन अ हिस्टोरियन, जो एक व्यक्ति जो इतिहास में खोज करता है बच्चों, वो इतिहासकारक कहलाता है, और उनके बारे में, उनके विषय में हम लोग सीखते, समझते, जानते, समझते और बोलचाल की भाषा में बूझते हैं,
ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, ओके, द लैंग्वेज मस्ट बी गोइंग केयरफुल टू यू, द वर्ड इज नॉट गुड देन द वर्ड इज क्लियर इन योर माइंड दैट द सब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर टू यू। एट मीन्स क्या कि ये शब्द मायने जो ही रखते हैं, जो शब्द भाषा वही अच्छी है जिससे आप समझ सकें और आपके एक्सप्रेशन को वो सूट कर सके, ठीक है। एंड रिएक्टिंग नेचर ऑफ द पर्सन विच ना, यहाँ पे जो भी हम पर्सन को देखते हैं ये रिएक्ट करते हैं किस प्रकार से, ठीक है। मोनुमेंट्स यूज अस टू कीप, कीप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से हम इन चीज़ों को रिएक्टिंग करते हैं और वो हमारे लिए रखते हैं ना, इंस्क्रीडिंग इन लाइफ टू बी सक्सेस, और ये हमारे लिए ये सक्सेस के सफलता के ये एक साधन है, माध्यम है, ठीक है बच्चों। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जो सोर्सेस है, संसाधन है इतिहास के। नाउ द क्वेश्चन इरेस ना, एक प्रश्न उठता है, इरेस करना माने उठता है, ए अराइजेस, इरेस नहीं, सॉरी फॉर दैट माय वर्ड्स, आई एम टेकिंग पार्डन, ठीक है, ए आर आई एस ई एस, अराइजेस उठता है, दैट वॉट सोर्सेस कैन प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट, और ये जो भी सोर्सेस हैं ये इंफॉर्मेशन सूचना पास्ट में दी गई हैं, एंड अबाउट के विषय में, द पीपल हु लिव्ड लॉन्ग एगो, जो व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है। लुक एल डबल ओके, लुक इफ वी वॉन्ट टू नो, हम देखते हैं और हम ये जानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, अबाउट अ फैमिलीज, किसी परिवार के बारे में, वी लुक एट एल्बम्स, हम पुराने समय के अपने बचपन के अपने दोस्तों के एल्बम्सों को, तस्वीरों को हम लोग देखते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, कनेक्टिंग फोटोग्राफ्स ना, कनेक्ट करके उनको देखते हैं, कलेक्ट करके फोटोग्राफ्स एंड ओल्ड लेटर्स ना, पहले के चीज़ों को हम देखते और समझते हैं। प्यारे बच्चों, इन दिस चैप्टर यू कैन सी दैट द हिस्ट्री मस्ट से अबाउट दैट द पर्सन हु आर रिलायबल एंड द मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर इज दैट कि आप इन चीज़ों को समझिए जो हमें इतिहास बताता है, इनके बारे में सीखना है, इनके विषय में जानना है, पुरानी चीज़ों को जानना है, अच्छी तरीके से जानना है, समझना है, दैट वी कैन कंक्लूड दोज वर्ड्स, ओके ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, ओके, थैंक यू वेरी मच।